भाई साहब मतलब गर्मी मतलब कम थी क्या जो ये से चला दिया है, अब भगा सकते हो आप, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो है लाई का सेवन किया जा रहा है, एज यू गाइस कैन सी ये 100 out of 100। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में लेकर जाने वाले आपको जहानाबाद से पटना धनरवा संपाचक गौड़ीचक 0 माइल वाला रास्ता जो है वही लेकर जाएंगे, उसी से लेकर जाएंगे आपको, और रास्ते में दिखाएंगे आपको कि रोड की कंडीशन कैसी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बन गई हैं अब पहले की कंपेरिजन। तो चलो लेकर चलते हैं आपको सीधा पटना गया रोड पर और दिखाते हैं कि रोड की कंडीशन क्या है अगर आप जाते हो, प्लान कर रहे हो गया से पटना जाने के लिए, और वो भी धनरवा संपाचक गौड़ीचक वाला रास्ता से। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेकर चलते हैं आपको सीधा उधर ही और दिखाते हैं रोड की कंडीशन कैसी है अभी। चलो तो भाई यहाँ से आपको अगर पटना जाना है तो यहाँ से है 56 किलोमीटर स्ट्रेट पटना, और मसौढ़ी है 20 किलोमीटर, नालंदा 79 किलोमीटर, आगे से राइट लेना पड़ेगा आपको। और बाय द वे बता दो आपको, ये जो हाईवे है ये है NH 83। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जहानाबाद से उनको मेरा हेलो। तो आई एम बिट एक्साइटेड बिकॉज 0 माइल वाला जो रास्ता है ना वो पटना मसौढ़ी वाला जो रास्ता है उसके कंपेरिजन थोड़ा सा बेटर है, और स्पीड आप अच्छी मेंटेन कर सकते हो अगर आप जाते हो धनरवा संपाचक गौड़ीचक वाला जो रास्ता है उससे। तो लेट्स सी अभी क्या कुछ चीज़ें आए हैं वहाँ पर, वो दिखाएँगे आपको। और भाई साहब मतलब गर्मी मतलब कम थी क्या जो ये से चला दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। अभी टाइम का तो आपको टाइम हो रहा है 4:09, और टेम्परेचर जो है आई थिंक अराउंड लगभग 40 होगा, 40 डिग्री सेल्सियस है गाइस। एंड फिर हम ऑन माई वे, और देखिए कितना ज़्यादा ओवरलोडेड है, ऐसे ऐसे लोगों को ही पुलिस पकड़ती है, क्या करूँ, ओवरटेक करूँ ना करूँ, करना तो पड़ेगा ही भाई इसके पीछे। ओके तो ये भी जरूरी है ऑफ रोडिंग मतलब बेस्ट, ताकि यहाँ पे आप गाड़ी स्लो करो अब भगा सकते हो आप। बट मेरे भी व्यूअर हो मुझे फॉलो करते हो तो आपका नाम सच्ची चलाओ नॉट बोत है, बिकॉज याद रखता है यार घर पे कोई वेट कर रहा है आपका, मम्मी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो याद रखता है घर पे कोई वेट कर रहा है आपका, तो डोंट ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, आराम से चलो, रास्ता खाली है यार, एंजॉय करते चलो। और क्या गाइस अभी मैं हूँ धनरवा वाले रास्ते में, और धनरवा का भी अपडेट देते चलते हैं आपको कि अगर आप प्लान कर रहे हो धनरवा संपाचक गौड़ीचक वाले रास्ते से आने के लिए तो कैसा रास्ता मिलने वाला है आपको। तो चलो दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का जो रास्ता है कुछ तो चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं बेसिकली, तो चलो चलकर दिखाते हैं आपको। साथ ही साथ यार भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, ऑल्दो मैंने लंच कर लिया है बिकॉज भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, बट फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ना फिर भूख लगनी शुरू हो गई। तो मैं अभी वैसे टाइम हो रहा है 4:35, और धनरवा में चलते हैं वहाँ पे लाई खाते हैं, चाय पीते हैं ताकि थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर सकें, उसके बाद जो है अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेकर चल रहे हैं आपको अभी धनरवा, और वहाँ पे लाई का सेवन किया जाए। चलो रास्ते की कंडीशन एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी है। अरे यार शिट मैन यहाँ पे गाइस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ ढंग से गाड़ी चलाओ, धीरे चलाओ, बिकॉज अगर आज धीरे गाड़ी चला रहे होते तो वो बच्चा बेचारा बच जाता है। हम इंसान हैं, इंसान के बच्चों की इंसान की मौत होती है तो बहुत अफसोस होता है, एग्जैक्टली उनको भी वैसा ही फील होता है भाई, उनके भी लाइक मॉम डैड
बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बुरा लगता है। ये देखो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पॉन्ड है, फोटोज ले गया। सो गाइस अभी हम लोग हैं धनरवा के थोड़ा पहले और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, देख सकते हैं आप बुद्ध भगवान का। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक मूर्ति भी है। तो यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करेंगे जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का जो नाम है यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं तो स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू अगर आप चाहो तो। और बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी मेरी बाइक्स की, ट्रिप्स की, वहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फ़ोटोज़ को। एनीवेज चलो यहाँ पे जब तक फोटो शूट है वो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको रोड की कंडीशन, धनरवा दिखाते हैं, लाइव ही खाना यार। चलो फिर 100 out of 100। धनरवा राइट नाउ और ये जितना भी रोड देख रहे हो ना ये एकदम एग्जैक्टली ब्रांड न्यू है, अभी जस्ट बना ही है और पहले नहीं था ये, बहुत ज़्यादा उबर खबर की रोड थी बट ये कम्प्लीटली बन गया है। ये आई डोंट नो इतना मजबूत और टिकाऊ डिवाइडर क्यों बनाया है इन लोगों ने। ओ भाई मेरे, ओ भाई साहब, ताऊ जी कहाँ बैठे हो? ये आने वाले टाइम में इधर राइट हैंड साइड में और ज़्यादा चौड़ा होने वाला है ये। तो अभी फ़िलहाल अपडेट यही है कि धनरवा तक का जो रोड है वो कुछ इस तरीके का है, पहले बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन थी रोड की, बहुत ऑफ रोडिंग वाला पास था, बट ये जो है अब कुछ इस तरीके का था पूरा का पूरा धनरवा वाला रोड। बट इसको जो है जैसे देख सकते हो ना, फिर ये वाला जो रोड कम्प्लीटली नया बना है और रोड की क्वालिटी नो डाउट, आई एम टेलिंग यू कि रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है पहले के कंपेरिजन, बिकॉज मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, बट ये वाला जो रोड है ना जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आऊँगा, चाय पीऊँगा, थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश करूँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको कि मैं कहाँ पर लाइक खाता हूँ हमेशा और यहाँ से पैक भी कराता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि इस बार मैं पैक कराने वाला हूँ बिकॉज पैक में एकदम भी जगह नहीं है। यही था क्या? यही खाते हैं जोर के। ऐसे तो वो सामने वाला दुकान है ना श्री साईं बाबा लड़ाई भंडार, एग्जैक्टली मैं यही खाता ही हूँ फिर से वापस, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो गाइस यहाँ तक का अपडेट कुछ ऐसा है कि रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप जहानाबाद या गया से आ रहे हो तो आप जो धनरवा वाला जो रास्ता है वो ले सकते हो, बिकॉज रोड की कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है अभी तक। तो आगे दिखाते हैं आपको कि आगे की कंडीशन कैसी है। एनीवेज चलो अब लाइक आया जाए। तो गाइस यहाँ पे जो है लाई का सेवन किया जा रहा है, एज यू गाइस कैन सी ये जो है लाई, और तो आपको बाइक यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे अपना सारा तामझाम। तो लाई खाते हैं, चाय पीते हैं और लाई खा के चाय पी के फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और आपको दुकान का नाम बता दूँ, दुकान का नाम है श्री साईं लाई भंडार, धनरवा में है। तो अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे आके खा सकते हो, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है मेरे तरफ से, तो एक्सपेक्ट भी मत करना। एनीवेज ज़्यादा क्या ही बोलूँ आपको, यहाँ से निकलेंगे और फिर राइड को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए था यार, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। तो चलो चलते हैं। वैसे आपको टाइम दिखा दूँ, टाइम अभी 4:54 हो रहा है, आई मीन अबाउट तो भी 5:05 बजने वाले हैं। और कुछ ऐसी मिलती है यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय। सो गाइस लाई खा के चाय पी के हो गया है, अब यहाँ से चलेंगे पटना। बाइक की हालत कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और चलो फिर चलते हैं। और क्या, यहाँ तक की रोड की कंडीशन की बात करूँ तो रोड की कंडीशन अच्छी थी, आगे चल के देखते हैं कि रोड की कंडीशन कैसी है। टाइम बता दूं आपको, टाइम हो रहा है 5:06, देखते हैं आगे चल के। ये ज़रूरी था गाइस,
109 किलोमीटर मैंने चला लिया है पटना से यहाँ तक, और बहुत ज़्यादा पैथेटिक था। मैं जहानाबाद गया, जहानाबाद से वापस जा रहा हूँ, तो बहुत पैथेटिक था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, तो इसके लिए ये ब्रेक तो बनता था बहुत। रोड की कंडीशन क्या ही बोलो भाई, एक नंबर चुम्बेश्वरी है, 10 out of 10 जाओ। तो गाइस जस्ट बिफोर बिल्डादी चक रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब मिलेगी आपको, बिकॉज थोड़ा सा रोड जो है आपको ख़राब मिलने वाला है बिल्डादी चक के पहले, तो उसको सह लेना गाइस, बिकॉज जो उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है ना कुछ ऐसा समझने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता भी सह दो। यहाँ पे जगह जगह अपने पटाखे फेंके हुए हैं, लगता है रात में किसी के यार की शादी होगी, और यहाँ पे कीचड़ वीचड़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप देख सकते हैं कि पहले और अब में क्या क्या डिफरेंस है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो बनी हैं, और ये वाला जो रोड देख रहे हो ये आपका नया बन रहा है। नाइस यार, दिस इज़ वेरी गुड। तो भाई 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 प्लीज़ 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 आगे बढ़ जा, मिट्टी गिरा गई है ना, कुछ ऐसा सा है ये, बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये सामने निकाल हुए चलो इसी को बनाएंगे थंबनेल, ठीक है भाई साहब। व्हाट द फक इज दिस, जाम वाम लगा है इधर। ये मैं हूँ अभी बेजारी चेक एग्जैक्टली, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदा वाला जाम लगा हुआ है यार। हाँ हाँ हाँ, मैं सोचा था कि मैं थोड़ा पहले पहुँच जाऊँगा घर, यार ये नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों फंस रही है रही बॉडी चेक, ऐसा था रोड काफ़ी अच्छी थी यहाँ तक, और बेजारी चेक के पास जो है ना आपको एक चौराहा मिलता है, वहाँ पे ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा शायद आपको, बिकॉज वहाँ पे चौराहा है और ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं है, तो मे भी शायद वहाँ पे ट्रैफिक लग सकता है अगर आप आते हो तो। अदरवाइज मैं बाइक से था तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, मैं तुरंत निकल गया, आई थिंक अराउंड 5 मिनट लगे होंगे मुझे वहाँ पे। रोड तो वाइड हो गया है काफ़ी, नो डाउट मेरे हिसाब से अब जाम लगने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बट यार फिर भी पता नहीं कैसे यहाँ पे जाम लग जाता है कभी कभी, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ। यार देखिए पानी पड़ा जा रहा है, और ये था हाल कुछ बॉडी चेक का। आगे लेकर चलते हैं आपको संपा चक, वहाँ दिखाते हैं कि संपा चक के पास जो है रोड की कंडीशन कैसी है, क्योंकि संपा चक के पास भी क्या है ना कि रोड बनाने के चक्कर में दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में घर को तोड़ दिया गया था, तो शायद मे बी कैसा काम चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। और ISBT के पास जो है अपने वीडियो को बंद कर देंगे, वीडियो को क्लोज कर देंगे, चलो सर देख कर चलते हैं आपको सीधा आगे। ओके 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 भाई आप जाओ, मैं तो साइड हो जाऊंगा, चलो संपा चक लेकर चलते हैं आपको, चलो। तो दोस्तों आई एम संपा चक राइट नाउ, और संपा, अरे भाई साहब दीदी मतलब है, तो आई एम संपा चक राइट नाउ, और संपा चक में हमेशा की तरह भीड़ आपको मिल जाएगी, सारी पब्लिक यहाँ पे जमा रहती है, सब्जी मंडी है ना, और देख सकते हैं घर वर को तोड़ दिया गया है इधर, क्योंकि रोड को चौड़ा करना है। एनीवेज गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाने लायक था नहीं, तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, सीधे चलते हैं आपका ISBT के पास, और ISBT के पास ही वीडियो को क्लोज कर देंगे, तो विदाउट फर्दर डिले मिलते हैं सीधे आपसे ISBT के पास। तो गाइस मैं पहुंच गया अभी ISBT, और यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। रोड की कंडीशन आपके सामने थी गाइस, रोड बहुत अच्छा है फिलहाल, तो अभी यहाँ पे रोड को चौड़ा किया जाएगा, वो लेन ये लेन ये लेन ये जो देख रहे हो ना आप, ये तीनों मर्ज कर जाएगा, तो काफ़ी वाइड सा हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे बस स्टैंड है तो जाम की स्थिति थोड़ी बहुत रह सकती है। अंदर में देख सकते हैं कि कई सारी बसेस लगी हुई हैं अभी, और यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है,
हो जाता है कभी कभी दोपहर के टाइम में, और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर। तो यही था आज के वीडियो में गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, फॉर मोर अपकमिंग क्रेजी कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा।